दोस्तों गुजरात टाइटन्स और दिल्ली कैपिटल के बीच खेले गए टी ट्वेंटी मुकाबले में दिल्ली कैपिटल ने गुजरात टाइटन्स को छह विकेटों से हरा दिया जहां पहले बैटिंग करने आए गुजरात टाइटन्स की शुरुआत काफी ज्यादा खराब रही जहां रिद्यमान साहा दो रन बनाकर चलते बने वहीं गिल भी आठ रन के स्कोर पर आउट हो गए जिसके बाद विकेटों की झड़ी लग गई साई सुदर्शन बारह डेविड मिलर दो अभिनव मनोहर आठ रन और राहुल तेवेतिया सिर्फ दस रन बनाकर चलते बने लेकिन गुजरात को राहत दी राशिद खान ने जिन्होंने इकतीस रन की पारी खेली और जैसे तैसे गुजरात टाइटन्स का स्कोर दस विकेटों के नुकसान पर 89 तक पहुंचाया। दिल्ली कैपिटल के लिए पिकऑफ द बोलर साबित हुए मुकेश कुमार जिन्होंने 2.3 ओवर में 14 रन खर्च करके तीन विकेटे निकाली छोटे लक्ष्य को चेस करने उतरी दिल्ली कैपिटल की भी शुरुआत काफी ज्यादा खराब रही जहाँ पृथ्वी शॉ सिर्फ सात रन बनाकर चलते बने लेकिन उसके बाद जैक फ्रेजर के बीस अभिषेक पोरल के पंद्रह साई होप के उन्नीस और ऋषभ पंत के सोलह रनों की बदौलत गुजरात टाइटन्स द्वारा दिए गए लक्ष्य को दिल्ली कैपिटल ने सिर्फ नब्बे ओवर में ही चेस कर लिया इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल अब छठे पोजीशन पर आ चुकी है वो गुजरात टाइटन सातवें पोजीशन पर खिसक चुकी है अब देखते हैं आने वाले समय में ये दोनों टीमें कैसा प्रदर्शन करती है